अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन विद न्यू व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से व्लॉग में, मिनी से व्लॉग में। तो इंडिपेंडेंस का दिन है इंडिया में, तो ये हमारा आज़ादी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो मैं आज के दिन कर रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो सुबह सुबह मैं ना यहाँ पे ट्री कलर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये सैंडविच मैंने कैसे बनाई हूँ। तो नाश्ते में मैंने यही खाई है। और यहाँ पे मैंने ना 1 टेबल स्पून मायनीज लिया है और इसमें ऑरेंज कलर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो ऑरेंज कलर मिक्स करने के बाद मैंने इसको मैंने अच्छी तरह से पूरे ब्रेड पर स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रेड लेती हूँ। इसमें हमको ना टोटली 4 ब्रेड चाहिए रहेंगे। एक पे मैंने वाइट वाला जो वेज मेयू आता है ना वो मैंने अप्लाई किया है। इस पे मैंने ग्रीन चटनी अप्लाई की है। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज रखूँगी उसके ऊपर वाइट, और ये हमारा ग्रीन इसके ऊपर मैं रख देती हूँ हमारा एक सादा वाला ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ना साइड साइड से पूरा कट कर लिया है और इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो ब्रेड है, इसकी ऑलरेडी जो रेसिपी अच्छी तरह से अगर आप लोगों को देखना है तो मैंने अपने ब्लॉग चैनल कुकिंग चैनल पे ना इसको अपलोड किया है। तो यहाँ पे मैंने ना तिरंगे वाली बिरयानी बनाई है जो हम गरीब लोगों को बांटने वाले हैं। ये तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वैसे तो किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बिरयानी बनाई है लोगों को देने के लिए जो गरीब होते हैं उनको। तो बिरयानी बनाई थी, उसमें मैंने रायता भी बना लिया था। तो मैंने सोचा कि रायते की जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दही, प्याज और इसमें मैंने ककड़ी लिया है, उसको अच्छी तरह से कट किया बारीक बारीक। उसमें मैंने ना 1 टेबल स्पून लेमन का जूस डाला है। उसमें सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ऐड किया, ये बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। उसमें अगर चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं ना तो इसका जो स्वाद है ना वो दुगना हो जाता है। तो ये मैं अभी खाकर आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ये मैंने लिया है और मैं इसको खाकर बताऊँगी, ये बहुत ही ज़्यादा यम था, मैंने खुद ट्राई किया है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये मेरी जो सिस्टर है वो लेकर आई थी कि ये जो बांटने का था, ये सारे चीज़ें प्रिपरेशन इसकी चल रही थी। तो यहाँ पे हमारे ही घर में झंडा लगाया गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो बस ये हम लोग बस निकलने लगे थे, खाना वगैरह खा लिए थे। और ये अजहान है, अजहान भी आज टी शर्ट पहना था तिरंगे वाली। तो हल्का फुल्का सेलिब्रेशन तो हो ही गया था। तो यहाँ पे भाभी ने कुछ मीठे बना लिए थे, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करें। जब हर चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो वो भी चीज़ें शेयर करूँ। तो यहाँ पर बस हम लोग जा रहे थे बांटने के लिए, तो सब सारा सामान वगैरह रख लिए थे। ये भी एक डिज़र्ट था जो भाभी ने बनाए थे, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, बहुत मज़ा आई। कल के दिन तो बहुत अच्छा लगा और बहुत थक भी गए थे। तो यहाँ पर ना एक ऐसा बड़ा सा मैदान है मुंब्रा में, जो मुंब्रा के रहने वाले हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे ना एक बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर चिड़िया रहती हैं, इनको दाना वगैरह डाल देने का तो वो खा लेती हैं। तो बस हम लोग को रास्ते में पड़ा था, तो मैंने अपने सिस्टर को बोली कि चलो हम लोग भी चलते हैं वहाँ पर। अजहान है ना, उसको बहुत पसंद है, तो इसी की वजह से तो मैं सोच रही थी कि चलेंगे यहाँ पर। तो बस गए थे, तो मेरी जो सिस्टर है वो दाने डाल रही थी, तो इसको भी डालना था। तो बस यहाँ पे वो उसी से मांग रहा है कि दाने दो, लेकिन उसको फेंकना नहीं आ रहा है। तो बस दाने डाल रहा था और मस्ती कर रहा था, उसने बहुत मज़े किया वहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा जो मिनी सा व्लॉग है इंडिपेंडेंस का वो अच्छा लगा हो। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद किया गया था, वैसे हम भी आज़ाद हैं और हर चीज़ों के लिए आज़ाद हैं। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और अपने देश को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फिर चलिए
ये फ़ोटोशूट करने के लिए ना ये सेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन ये पूरा ख़राब हो गया है। उसके बाद मेरे सिस्टर जो है उसको कुछ चाहिए थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो बस सामान लिया और घर चले गए। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं।